हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोस्ट गार्ड की असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में। तो यह जो वैकेंसी है आपकी सेकेंड 2023 के बैच के लिए निकाली गई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी जो है क्या एज लिमिट रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन के बाद आपकी जो है रैंक्स और सैलरी क्या रहेंगी, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में। तो यह जो वैकेंसी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई है, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बात करी थी। और यह जो वैकेंसी है आपकी अलग अलग ट्रेड के ऊपर निकाली गई, जैसे जनरल ड्यूटी है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो होती है जिनके पास होता है वो CPL SSS के लिए अप्लाई करते हैं, और टेक्निकल जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए टेक्निकल ब्रांचेस भी इसमें रखी गई हैं। तो जो है आपके एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, यानी अगर आपके एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। और इसके जो फॉर्म है वो आपके 17 अगस्त से 7 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन होंगे। अब बात करते हैं जो है इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले जनरल ड्यूटी की बात करते हैं। तो जनरल ड्यूटी में आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 तक रखी गई है। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है 5 साल का रिलैक्सेशन उनके लिए है जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो मतलब आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सेवा दे चुके हैं। बात करें जो है जनरल ड्यूटी, तो ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें आपके पास जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और प्लस आपने जो है 12th करी हो जो है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, PCM ग्रुप से आपने करी हो 12th, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो है 55% मार्क्स आपके 12th में होना आवश्यक है। बात करें कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की और SSA की वैकेंसी के लिए, इसमें जो है एज लिमिट सेम रखी गई है 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 तक, सॉरी सेम नहीं है, उसमें 2001 तक है, इसमें 2003 तक रखी गई है। हंगरी वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें जो है 12th आप पास होने चाहिए PCM ग्रुप से जो है, और आपके 55% नंबर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो है डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, जो द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दिस शुड जो है पोजेसेस एन एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स इन डिप्लोमा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स करिकुलम, यानी आपके 12th में तो होने चाहिए प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा में आपके 55% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। साथ में आपने जो है करंट कॉमर्शियल लाइसेंस अगर आपके पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल की तरफ से जो मैकेनिकल ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए, उनकी एज लिमिट रखी गई है 1 जुलाई 1997 से 2001 तक, और इनके लिए भी 5 साल के लिए रिलैक्सेशन रखा गया है जो कोस्ट गार्ड में सर्व कर चुके हैं उनके लिए। और इसके इसमें जो है बात करें तो इसमें आपने सेम चीज़ है 12th में आपके पास PCM होना चाहिए और इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल के साथ, या फिर ऑटोमोटिव, या फिर जो है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मेटलॉजी, या फिर आपने डिज़ाइन या एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए 60% नंबर के साथ, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसके समकक्ष कुछ किया हुआ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके आगे बात करते हैं हम जो है टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से भरेंगे फॉर्म उनके लिए, तो उनके लिए भी एज लिमिट जो है सेम रखी गई है मैकेनिकल के जैसे ही, और इसमें भी एज लिमिट है 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है जो कोस्ट गार्ड में सर्व कर चुके हैं उनके लिए। इसमें जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन डिग्री में BTech इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, यानी BE या BTech आपने करा हो भी 60% मार्क्स, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने इसके समकक्ष कुछ किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ एंट्री के बारे में। इसमें जो लॉ एंट्री है वो आपकी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, और इसमें जो है एज लिमिट 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2001 तक रखी गई है। और इसमें जो है आपका एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें कोस्ट गार्ड और जो भी आपने डिफेंस पर्सनल हैं उनके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है। और इसमें जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की भी 60% मार्क्स। अगर 60% नंबर्स के साथ आपने लॉ किया हुआ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसमें जो है SC ST OBC EWS और जनरल के लिए अलग अलग रखी गई हैं। तो जनरल ड्यूटी और CPL की बात करें तो SC की 7 वैकेंसी निकाली गई हैं, ST की 4 वैकेंसी हैं, OBC की 14 वैकेंसी हैं, EWS की 3 वैकेंसी हैं, जनरल की 22 हैं। टोटल 50 वैकेंसीज आपके जनरल ड्यूटी और CPL में निकाली गई हैं। बात करें इंजीनियर जो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रखी गई हैं उनके बारे में, तो 3 वैकेंसी SC के लिए हैं, ST के लिए 2 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी OBC के लिए हैं, 1 वैकेंसी EWS के लिए है, 9 वैकेंसी आपकी जनरल के लिए हैं और 20 वैकेंसी टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई हैं आपके जो है टेक कैंडिडेट्स के लिए। और लॉ कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए बात करें तो OBC में 1 वैकेंसी रखी गई है, सिर्फ OBC के लिए ही 1 वैकेंसी निकाली गई है इसमें। तो 30 वैकेंसीज आर टेंटेटिव, यानी आपकी ये वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, ये कभी भी चेंज भी करी जा सकती हैं जो है अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपकी ये वैकेंसीज बढ़ाई भी जा सकती हैं। इसके आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कई स्टेजेस में रहने वाला है, जिसमें जो है फर्स्ट स्टेज से 5th स्टेज तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के बारे में। तो फर्स्ट स्टेज में आपके जो है 3 सेक्शन रहने वाले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके जो GD और CPL के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए, उनकी बात करें तो उनके लिए रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। 25-25 मार्क्स या 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। सेक्शन सेकेंड की बात करें तो जो मैकेनिकल एंट्री के लिए हैं उनके लिए, तो इनके लिए इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और मैकेनिकल, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनसे भी आपके 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सेक्शन थर्ड की बात करें जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए, तो इसमें जो है इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए भी 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे और 2 घंटे का पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं लॉ एंट्री के बारे में। तो लॉ एंट्री में आपके जो है जो भी लॉ से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस और मैथमेटिकल और जनरल नॉलेज तो रहेगा ही, और आपका जो है लॉ का सब्जेक्ट भी रहने वाला है, तो जो है उसके लिए भी 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेज सेकेंड के बारे में। तो स्टेज सेकेंड में जब भी आप क्वालिफाई कर लेंगे अपना रिटर्न एग्जाम, उसके बाद में प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यानी PSB होगा आपका, जो कि बराबर होता है बिल्कुल SSB टेस्ट के। तो इसमें जो है आपका ये PSB टेस्ट 5 दिन चलेगा, जिसमें कई चीज़ें होने वाली हैं। इसमें जो है स्क्रीनिंग आपकी करवाई जाएगी, उसके बाद में आपके कई अलग अलग टेस्ट रहते हैं, जैसे टेट, वेट, SRT और जो है आपके आउटडोर टेस्ट रहते हैं, ये सब करवाए जाएंगे। और इसमें जो है आपको इंग्लिश में देना होता है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कैंडिडेट्स को दिक्कत हो रही है तो हाउएवर दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी इफ़ दे विश टू डू सो, यानी अगर उनकी इच्छा है तो वो हिंदी में भी जो है दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई पासिंग और फेल का नहीं रखा गया है। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स ले आते हैं तो आप इसमें पास कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड यानी FSB की तरफ से कॉल आएगी और FSB आपको देना पड़ेगा। FSB के बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका पूरा जो है मेडिकल करवाया जाएगा और आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं ये चेक करा जाएगा। उसके बाद में आपका जो 5वां स्टेज है वो इंडक्शन है, इसमें जो है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि आपके कोई भर्ती में जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सॉरी ये जो है आपका नेवल ओरिएंटल कोर्स है, नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए जो है आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग जो है आगे कंटिन्यू करवाई जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका 30 डेज बाद, स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस्ड एंटली विद इन 30 डेज, यानी आपका जो स्टेज फर्स्ट रहेगा उसका रिजल्ट आपका 30 दिन में घोषित कर दिया जाएगा। तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। अब फाइनली बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो असिस्टेंट कमांडेंट की 56,100 रुपये रहेगी, डिप्टी कमांडेंट की जो रहती है वो 67,700 रुपये रहती है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी।
कमांडेंट जो रहते हैं उनके लिए 78,800 रहती है, और कमांडेंट जे जी जो होते हैं उनके लिए 78,800, कमांडेंट जो होते हैं उनके लिए 1,23,100 रुपये, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,31,100 रुपये, इंस्पेक्टर जनरल के 1,44,200, ऑडिट एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए 1,82,200, डायरेक्टर जनरल के लिए 2,25,000 रुपये सैलरी इसमें रखी गई है। और आपको अदर अलाउंसेंस भी दिए जाते हैं आपकी सर्विस के अनुसार और आपके रैंक के अनुसार। आपको कई सारे अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, राशन है, TADA है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।